अचानक मिल जाए तो बड़ा कुछ कुछ होता है ना बाबूजी। भाई मुझे क्या मालूम, जिसकी सहेली मिली हो वो जाने, बड़ी पक्की सहेली है। हाँ बाबूजी, अब बड़ी पक्की हो गई है। ए मामदू, वो आ गई। लाला, न बोल दीस न चाल दीस, गुपचुप मोहब्बत कर दीस। उषा, तुम गुलमर्ग से ठीक ठाक पहुंच गई। और तुम? हाँ मैं भी। सरजू, तुम्हें क्या पता कि गुलमर्ग से सिर्फ मेरा शरीर लौटा था, मन तो तुम्हारे पास रह गया था। और तुम्हें क्या मालूम कि मैंने दो दिन कैसे गुजारे, जाने मन जैसे दो साल गुजर गए। झील के किनारे सैर करें? चलो। ये सड़क कहाँ जाती है उषा? निषाद बाग को। तुम सड़क की सोच रहे हो और मैं सोचती हूँ कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है। हुँ? जी। तुमने कुछ कहा? नहीं तो। फेंक तुमको, चाय भी नहीं पीने दें दी। या इलाही मिटना जांदी गदरे दिल। आओ उषा, शिकारे में चले। बीबी जी, हम बाबूजी को ममदू। अच्छा, अरे वाह बीबी जी, अरे वाह बाबू जी। बैठो बैठो, आपका ममदू तो बड़ा अच्छा है। क्या सोच रही हो उषा? यही कि तुम्हारे बारे में मैं अब भी कुछ नहीं जानती। क्या जानना चाहती हो? मेरा नाम, मेरा खानदान, मेरी जायदाद? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं जानना चाहती। तो फिर क्या जानना चाहती हो जान मेरी? सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम इस प्यार को कहां तक निभाओगे। देखो उषा, भगवान ने इंसान को अमर नहीं बनाया, वो एक न एक दिन मर जरूर जाता है। इसलिए अभी तो सिर्फ मौत तक ही प्यार निभाने का वादा कर सकता हूं, काफी है। मोहम्मदू जी, बीबी जी, जरा शिकारी को बुलाना। अच्छा बीबी जी, ये शिकारा क्यों बुला लिया? सांझ हो गई है, अब घर जाना है। अभी तो तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं, लेकिन जाना तो है ना? जाऊं? क्या जाना बहुत जरूरी है? जरूरी है। थोड़ी देर भी नहीं रुक सकती? कल आ जाऊंगी। जानती हो इस वक्त मेरा मन क्या कह रहा है? क्या? बरखुरदार रमेश, जीते रहो। सोचता था तुम्हारे बगैर कश्मीर की वादियां किसी बदसूरत रेगिस्तान की तरह होंगी, लेकिन यार मेरे दिल थाम के सुन लो, इस रेगिस्तान में नहायत ही खूबसूरत फूल उगाए हैं और एक खूबसूरत फूल से मुझे प्यार भी हो गया है। रमेश, मैंने 3 दिन में 3 जन्म का प्यार पा लिया है। इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा, अगर उसे देखना चाहते हो तो फौरन आ जाओ।
याद है तुमने एक दिन कहा था कि लड़कियां हमारी पोजीशन और हमारी जायदाद से प्यार करेंगी, लेकिन मैंने ये बात गलत साबित कर दी है दोस्त। वो लड़की मेरे बारे में इसके सिवा कुछ नहीं जानती कि मैं ओखले गांव का एक सरजू हूँ। और मैंने ये फैसला कर लिया है दोस्त कि खुद उसे कुछ नहीं बताऊंगा। ये काम एक दिन तुम्हें करना होगा और तब उसे सारी असलियत का पता चलेगा। जियो मेरे शेर, क्या शिकार मारा है तूने। जी पिताजी। क्या बात है? जी कुछ नहीं, ये गोपाल की चिट्ठी आई थी, उसने मुझे कश्मीर बुलाया। अच्छी बात, इनकम टैक्स का केस खत्म करके चले जाना, वहां भी तुम्हें एक जरूरी काम है। पिताजी वहां भी काम? हाँ, मगर पिताजी मैं वहां तुम्हें एक लड़की देखना होगी। जी मेरे एक दोस्त हैं दीवान किशन किशोर, उनकी एक लड़की है, तुम्हारे लिए उसके रिश्ते की बातचीत हो रही है, उसे देख लो, पसंद आए तो मुझे जवाब दो। ये उसकी तस्वीर है, देख लो। क्यों लड़ती हूँ उसके साथ? गोपाल बेचारे को फुर्सत नहीं मिली होगी। तो माँ रमेश भैया को कैसे फुर्सत मिल गई चिट्ठी लिखने की? देख माँ, तू एक काम कर, भैया को अभी चिट्ठी लिख के फौरन, बस फौरन ही उस लड़की की तस्वीर भेज दे मुझे। अरे तू घबरा मत, मैं कश्मीर पहुँचते ही पहला काम ये करूंगा कि उसकी और उसके मेम साहब की तस्वीर तुझे भेजूंगा। समझी, मगर उसको ये नहीं लिखना कि मैं कब आ रहा हूँ। क्यों क्यों क्यों? अरे वो बड़ा चालाक है, मेरे कश्मीर पहुँचने से पहले उसे छुपा देगा। मैं तो जन्नत हाउस बोट पहुँचते ही बच्चों को सर से ऐसा पकड़ूंगा कि वो देखते रह जाएगी। माँ कितना मजा आ जाएगा जब वो घबरा के पूछेगी ये कौन है, और मेरा यार मुझे गले से लगा के कहेगा ये मेरी जान है। गंगा चाची आपस में दोनों लड़ते रहेंगे कि असली जान कौन है। रमेश भैया देखो, मैं भाभी को इसे सताना मत, बने याद रखो। लो देखो माँ, ठेकेदार अभी से बन गई भाभी की, मालूम होता है कि शादियाँ हम लोग करेंगे और इस बिल्ली का कब्जा अपनी बीवियों पे होगा। बिल्कुल, देख लेना तुम लोग आते ही दोनों जनियों पर ऐसा जादू डालूंगी कि तुम लोग दोनों मेरी खुशामद करते फिरोगे कि चलो बहन एक बार तो मिला दो, प्लीज एक बार तो दिखा दो, और फिर हम कहेंगे कि देखने का टिकट लगता है। अरे बनिया तू तो हमेशा बनिया रहेगी, देख ले अगर हम लोगों को सताई तो तेरे लिए काना लंगड़ा ढूंढ के लाएंगे और उससे भी टिकट लगा देंगे। म्याऊ म्याऊ माँ माँ बता रही बिल्ली से क्या कर रहे हो? माँ माँ अल्टा अल्टा माँ ओ माँ। बुखार तो बहुत है दीवान साहब, घबराने की बात नहीं, सर्दी लग गई है। जी हाँ, दिल्ली से इसकी एक सहेली आई हुई है, बस उसी के साथ डल के किनारे घुमा करती है। खैर दवा मैं भिजवा देता हूँ, और जब तक बुखार ना उतरे बिस्तर पर लेटी रहे तो अच्छा है। जी बहुत अच्छा, चलिए। हेलो मोमतू, मैं उषा बोल रही हूँ, जरा अपने साहब को फोन बुला दे जल्दी। पाउजी पाउजी फोन आंदीस, मोहब्बत फोन आंदीस। आए ये क्या, तुम्हें तो डॉक्टर ने बिस्तर से उठने को मना किया है ना। बाबूजी वो सलमा वहां इंतजार कर रही होगी, मैंने सोचा मैं उसे फोन कर दूं। ला मैं कह देता हूँ। हेलो कौन है जी? मामदू मामदू जी, जन्नत हाउस बोट वाला मामदू जी। वहाँ सलमा बेगम है जी। हुंदीस जी हुजूर नहीं हुंदीस, और नांदीस। ठीक है, उनसे कहते ना उषा घर से फोन आया था, उसे बुखार है, आज वो उनसे मिलने नहीं आ सकती, समझे। साहब जी क्या हुंदीस, कुछ गड़बड़ हुंदीस? हाँ ममदू, उसको बुखार आ गया है और वो हमें मिलने नहीं आ सकती। एक तो मोहब्बत का बुखार, दूसरा असली बुखार, डबल डबल बुखार हुंदीस। मगर ममदू बात यह है कि हम उसे मिले बगैर रह नहीं सकते। अरे सिर क्या हिलाता है, कोई तरीका बताना। सोच दिस साहब जी, सोच दिस सोच दिस सोच दिस हम ममदू मोहब्बत का एक्सपर्ट है। सोच दिस सलमा, सलमा क्या सलमा? तुम सलमा है? तुम सलमा हुंदीस साहब जी, तुम सलमा हुंदीस। आइए 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 आइए। सीताराम आप कौन है? जी बीबी जी की सहेली हैं, इनका नाम क्या नाम बताया? सलमा। सलमा ओ सलमा बेटी, तुम ही दिल्ली से आई हो, आओ अंदर आओ आओ।
उषा देखो तुम्हारी सहेली सलमा आई। कौन? अरे वही तुम्हारी सहेली दिल्ली वाली सलमा। सलमा? हाँ मैं। तुम पावी सलमा मेरी बड़ी पक्की सहेली है, मगर सलमा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं बेटी तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। ये तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। परेशान तो हम हो गए इनकी बीमारी का सुनकर, उन्होंने तो मुझे चैन ही लेने नहीं दिया। चलो उषा के पास, चलो उषा के पास। उन्होंने किसे बेटी? बाबूजी, वो मेरे अब्बा, इनके अब्बा बहुत अच्छे हैं बाबूजी, मुझे बहुत प्यार करते हैं। बाबूजी और मेरे अब्बा नीचे बैठे हैं। नीचे? तुम्हारे अब्बा नीचे बैठे हैं? बेटी पहले क्यों नहीं कहा? बाबूजी वो इसका इलाज करना चाहते हैं। इलाज? हाँ, वो दिल्ली के बहुत मशहूर हकीम है ना उषा? हाँ बाबूजी बहुत मशहूर है, मगर सलमा मुझे इलाज नहीं करवाना, वो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है, तू उन्हें नीचे से ले जाना। वो बाबूजी उनकी तबीयत खराब है, तूने इधर उधर की सैर करा, कहीं घुमा के ला। अरे इसके अब्बा आए हैं और तू उन्हें नीचे से जाने के लिए कह रही है? हम उन्हें लेके आते हैं। जी आप। उसकी अलालत का सुनते ही हमारा दिल परेशान हो गया दीवान साहब। हमने सलमा से कहा बेटी हमें फौरन वहां ले चल, एक नजर देख लेंगे, कुछ दुआ करेंगे, कुछ दवा करेंगे। ये आपकी इनायत है, मुझे अभी भी सलमा से मालूम हुआ कि आप बहुत बड़े हकीम भी हैं। जरा नवाजी का शुक्रिया दीवान साहब, वैसे कुछ खास बात तो है नहीं, अलबत्ता बुजुर्गों के चंद नुस्खे याद हैं। हकीम साहब आप रहने वाले कहाँ के? अजी क्या पूछो हो दीवान साहब, हमारे वालिदे माजिद ने तो जिंदगी लखनऊ में काट दी और हम दिल्ली क्या आए कि बस दिल्ली के ही होके रह गए। और अब तो हाल ये है जिस तरह आशिक ना जाए कुए जाना छोड़कर, जा नहीं सकते हैं हम मल्ला दिल्ली की गलियां छोड़। हकीम साहब आप तो बहुत बहुत शायरी है। आदाबर है दीवान साहब, दरअसल हकीमी और शायरी का चोली दामन का साथ होता है। फारस के बड़े बड़े हकीम शायर भी थे। अच्छा? जी हाँ, जैसे हकीम लुकमान, जैसे हकीम उमर खयाम। क्यों उषा रानी खफा हो हमसे, आदाब नहीं नमस्ते नहीं, क्या इरादा है? बड़े बेआबरू हो कर तेरे कमरे से हम निकले। नमस्ते करो बेटी। नमस्ते। जीती रहो जीती रहो। लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सुनो दीवान साहब। नहीं बेटा, बुजुर्गों को ऐसा नहीं कहते। बाबूजी आप नहीं जानते, इन्हें नहीं आना चाहिए था। कितना खतरा है। खतरा? किस बात का? बाबूजी इन्हें दिल की बीमारी है। ये तो बजा फरमाया, दिल का रोग तो है मुझे। आराम के लिए कश्मीर आए हैं और देखिए ना, सर्दी में इधर उधर घूमते रहते हैं। आपके आने जाने से हमें बहुत परेशानी होती है। क्यों सलमा? हाँ हमें बहुत परेशान करते हैं। हाँ। दुहाई है दीवान साहेब, इस उम्र में इन बच्चियों से प्यार हो जाना गुनाह हो गया। हमको उनसे वफा की है उम्मीद दीवान साहेब, जो नहीं जानते वफा क्या है। अब्बा शेर ही सुनाते रहोगे या इनकी नबज भी देखोगे? भूल गया बेटी। दीवान साहेब इजाजत हो तो जरा बच्ची के करीब बैठ जा। जी हाँ, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। घबराओ नहीं। अल्लाह। हाँ तो उषा रानी जरा नबज तो दिखा। एक शर्त पे। क्या? नबज देख के दवा देके अब सीधे घर जाके आराम करेंगे। अरे बाबा मेरे आराम का क्या है, यही दीवान साहब के कमरे में कर लूंगा। क्यों दीवान साहब? क्यों नहीं आप ही का घर है। शुक्रिया। नहीं बाबूजी, उन्हें वक्त वक्त पे दवा लेनी पड़ती है, बीमार जो है। ठीक है ठीक है, चला जाऊंगा, मगर देखने तो दो। अल्लाह कैसी बच्चियां हैं, जबान दिखाओ, लंबी आंख देखूं। आंख तो बहुत खूबसूरत है दीवान साहब, बिल्कुल साफ है, जरा जबान मैली है,
थोड़ी सी दवा दूंगा, बिल्कुल साफ हो जाएगी। हाँ तो कहिए दीवान साहब, बच्ची को कब तक अच्छा कर दूं? हकीम साहब, परसों का जन्मदिन है। अच्छा, 4 साल में पहली बार अपने जन्मदिन पर घर में मौजूद है। अब की बड़ी धूमधाम से करने का रहता है। अरे दीवान साहब, परसों तो बहुत दूर है, हम तो इसे शाम तक अच्छा कर देंगे, लेकिन सालगिरह की दावत हम भी जरूर खाएंगे। जरूर जरूर, आपके बगैर सालगिरह कैसे मनाई जा सकती है? तो ठीक है उषा रानी, अब देखो हमारी हिकमत का जादू, इसमें से 2 गोलियां खा लेना, फिर बुखार आगे आगे, तुम पीछे पीछे, मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगी। नहीं नहीं, कल आप बताइएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। वादा? पक्का वादा। जीते रहो, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें हम जैसे बुजुर्गों से प्यार करना सिखाए, ठीक है ना दीवान साहब? हकीम साहब, बूढ़ों से कौन प्यार करता है, इसीलिए तो लोग बुढ़ापे से घबराते हैं। मगर मैं बुढ़ापे से नहीं घबराता, अलबत्ता अकेलेपन से जरूर डरता हूँ। इजाजत हो तो अकेलेपन पे एक शेर अर्ज करूँ? अब्बा, अब फिर शेर सुनाने लगे, अब चलिए भी। खफा ना हो बेटी, हमारा क्या है, सालगिरह पे सुना देंगे। जी हाँ, जरूर जरूर जरूर। खुदा हाफिज। नमस्ते। चलिए दीवान साहब। आइए आइए। अल्लाह, मैंने कहा मालिक, आप लड़की को देखने जा रहे हैं ना? लड़की भी तो आपको देखेगी, तो क्या मैं लाली पाउडर लिपस्टिक ले आऊं? सुनने पर सुहागा हो जाएगा मालिक। भैया, अरे रमेश भैया, तुम्हारा जाना तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। क्या बात है सरला, परसों सुबह की जहाज से गोपाल भैया वापस आ रहे हैं। परसों? हाँ। ये तुम्हें किसने बताया? अभी अभी उनकी चिट्ठी आई है, यहाँ के अस्पताल में उनकी नौकरी पक्की हो गई है और परसों इन्हें पहली तारीख से उन्हें चार्ज लेना है। एक्सलेंट, ये लड़की तो बहुत लकी निकली, उसे इधर लड़की मिली इधर नौकरी पक्की हो गई। अरे मगर उस लकी लड़की को देखोगे कब? मैं तो कल अपनी होने वाली से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। सरला, तू तो सचमुच बुद्धू है, मैं अपनी होने वाली अकेला थोड़ी देखूंगा, गोपाल और उसकी वो दोनों मेरे साथ होंगे। क्या रौनक है सुभानअल्लाह। हकीम साहब, जरा हमारे जन्मदिन पे मुंह तो मीठा कर लीजिए। जीतती रहो, पहले तुम खाओ। अरे हकीम साहब, आप कहाँ छुपे बैठे हैं? हुजूर, आज तो आपको गजल सुनानी है। अजी दीवान साहब, कहाँ मेरे बुढ़ापे को आप जवानी की तरफ घसीट रहे हैं। नहीं नहीं हकीम साहब, मैंने अपने तमाम दोस्तों से कह रखा। आइए तशरीफ लाइए, चलिए। अजीजा, तुम बैठ जाओ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची है आप। दोस्तों, हमारे अजीज दोस्त हकीम साहब आप लोगों को ये गजल सुनाएंगे। आप लोग जिद करते हैं तो एक गजल के चंद शेर अर्ज करता हूँ। दरअसल दीवान साहिब, ये गजल जवानी के दिनों में किसी की सालगिरह पे कही थी। जरूर सलमा की अम्मी को सुनाई होगी। अल्लाह अल्लाह हकीम साहिब, उनकी याद मत दिलाइए, वरना दिल अफसुरदा हो जाता है, आंखें पुरनम हो जाती हैं। नहीं हकीम साहब, हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते, हम तो वो जवानी वाली गजल सुनना चाहते। तो ठीक है दीवान साहब, सुनिए बुढ़ापे के मुंह से जवानी की रंगीनियां। शेर अर्ज है। इरशाद हकीम साहब। कल मिलेंगे। मगर कल सुबह 7 बजे एयरपोर्ट पे मिलने आना। क्या, लेकिन तुम तो परसों जाने वाले थे ना? क्या बताऊं उषा, दिल्ली जाने के जहाज की टिकट 1 हफ्ते तक नहीं मिल रही, कल भी बड़ी मुश्किल से पठानकोट तक मिली है, वहां से ट्रेन पकड़ लूंगा। लेकिन घबराओ नहीं जान मेरी, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। बाबूजी देख लेंगे। आखिर ये दाढ़ी का नाटक कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो बाबूजी को सब बताना होगा। अच्छा उषा, कल एयरपोर्ट पर जरूर आना। दीवान साहब, भाई वाह वाह वाह, क्या पार्टी दी है आपने, और हकीम साहब ने तो रंग ही जमा दिया। जी हाँ, क्या पार्टी दी भाई, वाह वाह वाह।
उषा, इतने से मेरे कहाँ जा रही हो? बाबूजी, वो सलमा है ना? अपने कमरे में जाओ, तुमसे कुछ कहना है। जी। अपने कमरे में। जी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आइंदा तुम किसी सलमा अलमा से मिलने नहीं जाओगी, बस। बाबूजी, बाबूजी जरा सुनिए तो, मेरी बात सुनिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए, मैं आपको सब बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरा जाना बहुत जरूरी है बाबूजी। सुनिए, पठानकोट जाने वाला जहाज तैयार है। ममदू, टाइम हो गया, उषा नहीं आई। अभी आ जाती है, 5 मिनट में। तो बाबूजी आप जान दीस, हम बीबी जी को बोल दीस, वो आपको चिट्ठी लिख दीस। चिट्ठी? हाँ बाबूजी। तुम्हारे पास कोई कागज है? हाँ? मैं तुम्हें चिट्ठी लिख देता हूँ, उषा को दे देना। वो आ गई ममदू। उषा कहाँ रह गई थी तू? सरजू, गजब हो गया, बाबूजी को शक हो गया है, उन्होंने मुझे यहाँ आने को मना किया, मैं बालकनी कूद कर आई हूँ। सरजू, तुम्हें उनसे मिलना होगा। सर, जहाज आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी कीजिए। जस्ट ए मिनट प्लीज, जस्ट ए मिनट। उषा, मैं वापस आकर बाबूजी से मिल लूंगा। लेकिन कब आओगे? तब तक मैं उनसे क्या कहूँ? उषा, परसों इतवार है, मैं सुबह के प्लेन से एक दिन के लिए आऊंगा। बाबूजी, सर। बीबी जी, आप नहीं आन दिस तो बाबूजी आपको चिट्ठी लिख दीस। चिट्ठी? उषा, मैंने तुम्हें अभी तक अपना असली नाम ही नहीं बताया, इसकी वजह बस। उसके बाद आप आ जान दिस बीबी जी। अटेंशन प्लीज, दिल्ली से आने वाला जहाज हवाई अड्डे पर उतर रहा है। बीबी जी, आप जान दिस, दिल्ली का प्लेन आन दिस, हम दूसरा पैसेंजर ढूंढ दिस। अच्छा। बीबी जी, हम साबी को घर भेज दिस, बाबूजी परसों आन दिस। खुदा हाफिज बीबी जी। खुदा हाफिज। बाबूजी, बाबूजी, हाउसबोट चल दिस। बाबूजी आपको ठंडा पानी मिल दिस, गर्म पानी मिल दिस, फोन मिल दिस। बाबूजी जन्नत हाउस बोट, हम ममदू, जन्नत हाउस बोट। जन्नत? हाँ बाबूजी। मगर वहाँ तो हमारा एक दोस्त रहता था। हाँ बाबूजी, सरजू बाबू, दिल्ली वाला साहब। हाँ बस वही। लेकिन बाबूजी वो तो पठानकोट जान दिस। पठानकोट जान दिस? हाँ बाबूजी। मगर उसको तो कल दिल्ली जाना था। बाबूजी कल दिल्ली का सीट नहीं मिल दिस तो आज पठानकोट जान दिस। बाबूजी आप हाउस बोट चल दिस, बारिश आन दिस। नहीं ममदू, हम अपने अंकल के घर ठहरेंगे। अंकल के घर ठहर दिस तो सलाम बाबूजी। उषा चलो नाश्ता कर लो। उषा, उषा, बाबूजी मेरा जाना बहुत जरूरी था। मेरे मना करने पर भी तुम सलमा से मिलने गई थी? जी, मैं सलमा से मिलने नहीं गई। फिर किससे? सरजू से। सरजू? कौन सरजू? उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी, गुलमर्ग में भी वो थे और वही हकीम बनकर यहाँ भी आए थे। तो तू उस आवारा बहरूपे से मिलने गई थी? वो रूप तो उन्होंने मजाक में भरा था बाबूजी, वरना वो बहुत शरीफ आदमी है। यही उसकी शराफत है कि उसने तुम्हें बाप की इजाजत के बगैर बालकनी से कूदना सिखाया। वो मेरी मजबूरी थी बाबूजी, मैं सुबह आपको सब कुछ बता देना चाहती थी मगर आपने दरवाजा ही नहीं खोला। मैं क्या करती, वहां उनका जहाज जा रहा था, मैं उनसे यही कहने के लिए गई थी कि उनका आपसे मिलना बहुत जरूरी है। उसने क्या कहा, वो क्यों नहीं आया? उन्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए दिल्ली जाना था मगर वो इतवार को आपसे मिलने आ रहे हैं। अगर वो ना आया तो? वो जरूर आएंगे बाबूजी। उसका कुछ पता ठिकाना मालूम है? कौन है, क्या करता है, किसका बेटा है? मैं नहीं जानती। नहीं जानती?
ये सवाल मैंने कभी पूछे ही नहीं। क्या बाबूजी, ये सब कुछ जानने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, उन्हें ही जान लेना काफी था। सिर्फ इतना ही जान लेना काफी था कि उसका नाम सरजू है, बस। सरजू भी उनका असली नाम नहीं है। क्या, फिर असली नाम क्या है? मैं नहीं जानती। तुम्हें कैसे पता चला कि असली नाम नहीं है? सुबह मेरे पहुंचने से पहले वो मेरे नाम ये चिट्ठी लिख रहे थे। मैं वहां पहुंची तो जहाज जा रहा था, बस इतनी ही बात हो सकी कि वो इतवार को वापस आएंगे। वो जरूर आएंगे बाबूजी। उषा, अब तुम बच्ची नहीं हो। मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है कि तुम दुनिया में अच्छा बुरा पहचान सको। मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया, विश्वास किया, मगर ये नहीं जानता था कि एक दिन तुम मेरे इस भरोसे को यूं मिट्टी में मिला दोगे। बाबूजी, आप सिर्फ जुबान से कहते हैं कि आपने मुझ पे भरोसा और विश्वास रखा, मगर दिल से आपने मुझ पे कभी विश्वास नहीं रखा। ये बात आज मैं अच्छी तरह जान गई हूँ। उषा! हाँ बाबूजी, अगर आपको मुझ पे भरोसा होता तो आज भी मुझ पे विश्वास रखते। इस बात का इंतजार तो करते कि मैं किसी को आपके चरणों में लाके खड़ा कर देती और कहती कि बाबूजी, मैं इनसे प्यार करती हूँ, आप इन्हें परख लीजिए। मगर उषा, मैं पूछती हूँ, क्या यही आपका विश्वास है कि जिसे मैं अपना देवता मानती हूँ आप उन्हें एक आवारा और बेरुपिया कहें, ये कहने के पहले आपने उनके बारे में कुछ जाना भी नहीं? और तुम्हें उसके बारे में क्या जाना है? सिर्फ एक नाम, और वो भी असली नहीं। जो आदमी इतने दिनों में तुम्हें अपना सही नाम न बता सका, उसके बारे में इसके सिवा और क्या राय हो सकती है कि वो कोई धोखेबाज था, एक खेल कर गया है तुमसे, और तुम उसे देवता कहती हो, किस दलील से? देवता दलीलों से नहीं माने जाते बाबूजी, दिल से माने जाते हैं, और दिल अपना देवता पहचानने में कभी धोखा नहीं खाता। उषा! नहीं बाबूजी, आप ये बात नहीं समझ सकते। आज मुझे महसूस होता है कि किसी लड़की की माँ नहीं मरनी चाहिए, शायद बेटी के दिल की बात माँ के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, आज तुमने हमें वो ताना दिया है बेटी, जो न सुनने के लिए हमने परसों अपनी रातों की नींद और दिन का आराम कुर्बान किया। उषा, इस वक्त मुझे तुमसे नहीं भगवान से शिकायत है कि अगर बेटी के लिए माँ इतनी ही जरूरी है तो उसने तेरी माँ की जगह मुझे मौत होना दे दी। नहीं बाबूजी। अगर अपनी बेटी का भला सोचना बाप का अपराध है तो मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे इसकी सजा दो बेटी, कुछ और कहो। मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी, कभी कुछ नहीं कहूंगी बाबूजी, मुझे माफ कर दो। उषा, आप किसे मिलना चाहते हैं? ये दीवान किशन किशोर की कोठी है ना? यस सर। दीवान साहब घर में हैं? यस सर। उनसे कहिए रमेश आया है दिल्ली से मिलने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझ पे भरोसा रखो बेटी, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारी भलाई भी हो और खुशी भी। कोई रमेश साहब दिल्ली से आए हैं? रमेश आजी आ जा। कहां है वो? नीचे टैक्सी से सामान उतरवा रहे हैं। अरे जाओ उसका सामान उतारो और उसे जल्दी से यहां लेकर आओ। यस सर। उषा, रमेश मेरे एक दोस्त का लड़का है, अनजाने में कुछ दिन पहले मैंने उससे तुम्हारी शादी की बात छेड़ी थी। पर बाबूजी, घबराने की कोई बात नहीं, आतवार को सरजू आ ही रहा है, उसके आने से पहले मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, ठीक? लेकिन बेटी, रमेश हमारा मेहमान है, इतना ख्याल रखना। नमस्ते चाचा जी। अरे आओ आओ रमेश, तुम तो एक दो दिन के बाद आने वाला था चाचा जी, लेकिन एक धोखेबाज का पीछा करना पड़ा, इसीलिए आपको इतला भी नहीं दे सका। धोखेबाज कौन? जी वो मेरा एक दोस्त है गोपाल, यहाँ उसने चुपके से अपनी शादी तय कर ली। मैंने सोचा अचानक उसे जा पकड़ूं और उसकी होने वाली को भी देख लूं, मगर चाचा जी वो धोखा दे गया, मेरे कश्मीर पहुंचने से पहले ही चला गया। उषा, ये रमेश है। नमस्ते। नमस्ते रमेश, ये मेरी बेटी उषा है। जी हाँ, मैं तो इन्हें पहचानता हूँ। कैसे? जी दिल्ली में मैंने आपकी तस्वीर देखी थी। तस्वीर किसके पास?
मेरे पिताजी के पास। अरे ये बातें तो होती रहेंगी, तुम आराम से बैठ तो जाओ। उषा, सीताराम से कहकर नीचे वाला बेडरूम इनके लिए ठीक करा दो। पर चाचा जी, बेडरूम की क्या जरूरत है? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि क्यों ना कुछ दिन हाउस बोट में रहकर दल की सैर की जाए, हम लोग साथ इकट्ठे रहेंगे। क्यों, कैसा रहेगा ये प्रोग्राम? अरे प्रोग्राम तो सब ठीक रहेगा, मगर इंतजाम करने में तो कुछ वक्त लगेगा। जाओ बेटी, तुम सब इंतजाम कर दो। चाचा जी, कितनी मजेदार सर्दी है, मुझे रह रह के गोपाल की याद आती है। धोखेबाज कहीं का, चाचा जी वो अगर यहाँ होता तो कितना मजा आता। बाबूजी किथे चल रहा है? स्टेशन जाना है जल्दी। मैं क्या, बैठो तो सही, ऐसी जल्दी तो भी छेती बुझा देंगे। रखो पुलिस सामान टैक्सी। छपड़ी ते अंब करदा, यार दी जुदाई नालों रब पैदाई ना करदा, यार दी जुदाई नालों रब पैदाई ना करदा। सरदार जी, अब गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं। बाबू जी, असि तो इन्ना ही जानते हैं, जद कभी मौका मिल जाए मुहब्बत कर लो तो गाने गा लो। जिंदगी का की भरोसा, कद मुक जाए। बेलिया हो मेरे हानिया, हो मेरे बेलिया, हो मेरे हानिया, हो मेरे हानिया, हो दिल जानिया। कहिंदे जग सारा कूड़ पसारा, चल चलिए चल चलिए चल चलिए जिथे होएगा पार उतारा। मेरे बेलिया हो मेरे हानिया।